हेलो एवरीवन वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जे नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुए एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसकी जो पूरी डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो एनटीए की तरफ से जारी की गई है और साथ ही साथ जो कम्पलीट प्रोसेस रहेगी एग्जामिनेशन और रिजल्ट डिक्लेरेशन तक वो सारी एनटीए की देखरेख में होगी तो इसमें कई सारी वैकेंसीज हैं अलग अलग फ्रेशर के लिए भी हैं टेन पास ट्वेल्थ पास एनी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट या अदर क्वालिफिकेशन भी है अगर आपके पास इसमें कई सारी आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं साथ ही साथ ये परमानेंट पोस्ट रहेंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हम सभी जानते हैं इसके बारे में तो चलिए देख लेते हैं बाकी की सभी डिटेल्स गवर्नमेंट पे स्किल रहेगी परमानेंट पोस्ट रहेगा गवर्नमेंट जॉब की तरह ही रहेगा आप एक तरफ देखेंगे ये मेन एडवर्टीजमेंट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी लिखा है न्यू दिल्ली और दूसरी तरफ राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 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 नेशनल नेशनल टेस्टिंग टेस्टिंग तो मतलब की देखरेख में ही सारा काम होना है वीडियो थोड़ी लंबी होगी अगर आप वाकई इंटरेस्टेड है इन पोस्ट के लिए तो आप वीडियो एंड तक देखें सभी की क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया लास्ट डेट हाउ टू अप्लाई यहाँ तक सारी डिटेल्स फीस कितनी है ये सारी चीज हम इसमें कवर करेंगे तो जैसा आप स्क्रीन पर देख सकेंगे टोटल फोर्टी डिफरेंट पोस्ट है और जिसमें कुछ पोस्ट के लिए काफी बड़े नंबर पर भी वेकेंसीज हैं जैसे कि आप देख सकेंगे मेस हेल्प पर फोर्टी नाइन वेकेंसीज है कुक के लिए 19 वेकेंसीज हैं और इसी तरीके से मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 79 नाइन वेकेंसीज है जूनियर असिस्टेंट के लिए चलिए हंड्रेड सिक्स से स्टार्ट करते हैं डिप्टी रजिस्ट्रार पोस्ट अगर आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो हर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मेंशन की जाएगी एज लिमिट तो आप यहीं पर देख लें जहां पर लास्ट कॉलम में आप देखेंगे मैक्सिमम एज लिमिट अपर एज लिमिट है मतलब जैसे डिप्टी रजिस्ट्रार के Uh, सामने लास्ट कॉलम में फिफ्टी लिखा है मतलब फिफ्टी इयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं डिप्यूटी रजिस्ट्रार के लिए एज में रिलैक्सेशन सभी पोस्ट के लिए दी जाएगी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स जो रहता है एस कैटेगरी के लिए फाइव इयर्स की अपर एज में रिलैक्सेशन होती है थ्री ईयर्स की रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में ओपीसी कैंडिडेट के लिए

किसी रिजर्व कैटेगरी में सीट नहीं है तो यू आर में आकर एप्लीकेशन कर सकते हैं बट जैसे एस टी में वन पोस्ट लिखा है तो एस टी में वन पोस्ट लिखा है मतलब ये एस टी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है इसमें कोई और एप्लीकेशन नहीं कर सकेंगे तो ये सब चीजें हैं क्लियर अभी आगे देखते हैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है जिसमें टोटल वन पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर एट पोस्ट है जिसमें ज्यादा वैकेंसीज है उस पर आप फोकस कर सकते हैं जिनमें एक या दो वैकेंसीज है उनको छोड़ दें बाकी जिनमें कम से कम टेन वैकेंसीज हैं एट वैकेंसीज है उनको देख सकते हैं सीनियर असिस्टेंट के लिए टोटल एट वैकेंसीज है असिस्टेंट के लिए थ्री वैकेंसीज है सबसे ज्यादा वैकेंसीज नजर आ रही है जूनियर असिस्टेंट के लिए वन हंड्रेड एंड सिक्स वेकेंसी अपर एज लिमिट की भी अगर बात करें तो काफी अच्छी है यहाँ पर फोर्टी ईयर्स तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए है एक सौ छ वेकेंसी है इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए बड़े नंबर पर वेकेंसीज से नाइन वैकेंसीज है प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए वन पर्सनल असिस्टेंट जिसमें एक या दो वैकेंसीज वेकेंसी उनको छोड़ा जा सकता है स्टेन या आपका मन है तो आप डालें स्टेनोग्राफर के लिए ट्वेंटी टू वेकेंसी इसको देख सकते हैं रिसर्च ऑफिसर टू एडिटर पब्लिकेशन टू क्यूरेटर वन असिस्टेंट लाइब्रेरियन वन और सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट को हम देखेंगे सेमी प्रोफेशनल तो जब मैं क्वालिफिकेशन की डिटेल कवर करूंगी तो मेन मेन जिनमें ज्यादा वैकेंसीज वेके उनकी क्वालिफिकेशन की डिटेल कवर कर देती हूँ इस वीडियो में तो सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की एट वेकेंसीज है कुक के लिए टोटल नाइनटीन वैकेंसीज है अच्छी वैकेंसी है इसमें मेस हेल्पर के लिए फोर्टी नाइन वेकेंसी है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए वन एंड वन वैकेंसीज है इसके अलावा अगर बात करते हैं वर्क असिस्टेंट के लिए टोटल 16 वैकेंसीज हैं इंजीनियरिंग अटेंडेंट के लिए टोटल 22 वैकेंसीज वेकेंसीज लिफ्ट ऑपरेटर के लिए थ्री वैकेंसीज है सीनियर सिस्टम एनालिस्ट के लिए वन वेकेंसी है और इसके अलावा सिस्टम एनालिस्ट के लिए टू सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए टू कंप्यूटर ऑपरेटर वन टेक्निकल असिस्टेंट वन जूनियर टेक्नीशियन और जूनियर ऑपरेटर के लिए वन टू स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट टू टेक्नीशियन तो नीचे में जो वेकेंसीज है सब वन टू थ्री ऐसे ही हैं तो ये नीचे की आप देख सकते हैं तो ज्यादा जो है स्पोर्ट्स असिस्टेंट वन स्टाफ नर्स वन लेबोरेटरी अटेंडेंट टू लेबोरेटरी असिस्टेंट थ्री कार्टोग्राफिक असिस्टेंट वन जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर वन थ्री एटी एट वैकेंसी है टोटल तो मेन मेन जो पोस्ट है मैं उनके लिए कवर कर देती हूँ जैसे जूनियर असिस्टेंट असिस्टेंट वगैरह की स्टेनोग्राफर की पोस्ट जिसमें ज्यादा वैकेंसीज हैं बाकी आप खुद चेक कर सकते हैं जैसे ऑफिसर पोस्ट है तो वहां पर जरूर थोड़ी तो एक्सपीरियंस चाहिए सीनियर असिस्टेंट से शुरू करते हैं सीनियर असिस्टेंट में बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी इससे ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए सीनियर असिस्टेंट नाम से ही पता चला अगर आपके पास एक्सपीरियंस है थ्री इयर्स की यूडीसी के तौर पे आपने काम किया है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी पीएसयू में तो अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट पोस्ट के लिए भी जिन्होंने ऑलरेडी जूनियर असिस्टेंट एल डी पोस्ट पर ऑलरेडी काम किया टू ईयर्स के लिए और बैचलर डिग्री है उनके लिए असिस्टेंट पोस्ट है तो मतलब ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए जूनियर असिस्टेंट सभी के काम किए हुए जिन्होंने भी ग्रेजुएशन की हुई है कोई भी एक्सपीरियंस यहां पर नहीं चाहिए जूनियर असिस्टेंट में पोस्ट भी ज्यादा थे अपर एज लिमिट भी मैंने देखा था फोर्टी ईयर्स था अपर एज लिमिट बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना होगा मिनिमम मिनिमम किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना होगा परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है कोई भी परसेंटेज से आप ग्रेजुएट है इंग्लिश टाइपिंग आती है या फिर हिंदी टाइपिंग आती है इसके लिए भी सर्टिफिकेट टाइपिंग के लिए तो नहीं मांगी जा रही है सिर्फ आना चाहिए इतना है कंप्यूटर तो सभी को आता है तो बस इतना है कि ग्रेजुएट होना चाहिए टाइपिंग स्पीड हिंदी या इंग्लिश की होनी चाहिए दैट्स ऑल जूनियर असिस्टेंट के लिए पोस्ट ज्यादा थी इसके लिए जैसे मैंने आपको दिखाया हंड्रेड से ज्यादा पोस्ट थी स्टाफ भी देखें ऑफिस अटेंडेंट का काम रहता है, इसमें। इसमें पास, सिर्फ पास मांगा गया है नीचे चेक कर लेते हैं बस इतना ही टेंथ में भी कोई परसेंटेज नहीं मांगा गया कि ये परसेंटेज चाहिए बस टेंथ पास है फ्रेशर है कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है इसी तरीके से और भी जो पोस्ट है जिनमें पर्सनल असिस्टेंट के लिए टू ईयर की एक्सपीरियंस चाहिए इसलिए इसे स्किप कर देते हैं स्टेनोग्राफर पर चले आते हैं इसमें 22 या कुछ 22 या कुछ ऐसे वैकेंसीज थी ऊपर एक बार आप चेक कर लें इसमें ग्रेजुएट होना होगा किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होनी चाहिए मिनिमम बस इसके ऊपर अगर और भी क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन तो चलेगा बट मिनिमम तो ग्रेजुएट होना होगा परसेंटेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सपीरियंस नहीं चाहिए मैंडेटरी नहीं है मांगा नहीं गया है एक्सपीरियंस स्टेनोग्राफी आनी होगी लेकिन इंग्लिश या फिर हिंदी वाली और कंप्यूटर की नॉलेज आ, इसमें टेस्ट लिया जाएगा ये इतना आपको आना चाहिए टेस्ट के वक्त में ये जो यहाँ पर लिखा है टेन मिनट्स एट द रेट एट्टी वर्ड पर मिनट वगैरह वो आना चाहिए आपको बस इतना ही फिर बाकी और कुछ पोस्ट है जिनमें कि ज्यादा वैकेंसीज थी तो वो हम कवर करेंगे जैसे कि कुक की वैकेंसीज थी जिसमें मेस हेल्पर तो कुक में जो है टेंथ पास चलेगा आईटीआई होना चाहिए लेकिन बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी में और एक साल वाला और तीन साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कुकिंग या फिर कैटरिंग में कहीं पर भी किया हो तीन साल का एक्सपीरियंस कुकिंग या कैटरिंग में दसवीं पास है आईटीआई होना चाहिए बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी में मेस हेल्पर में दसवीं पास और टेंथ पास होना चाहिए इसमें एक्सपीरियंस चाहिए थ्री क्योंकि ज्यादा पोस्ट है इसलिए ये कुक और मेस हेल्पर कवर कर रहे हैं इसमें तीन साल की एक्सपीरियंस चाहिए हेल्पर के तौर पर कैंटीन में या कहीं पर भी आपने काम किया या अटेंडेंट का भी काम किया है तो चलेगा तो ये सारी चीजें अभी हम तो मेन मेन जो जिसमें ज्यादा पोस्ट थे वो मैंने कवर कर लिया बाकी आप किसी और दूसरे पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है जैसे बीई बी टेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सिविल वाले कुछ थे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक वाले थे तो वो अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से पोस्ट और पोस्ट की डिटेल चेक कर सकते हैं अभी हम डायरेक्टली कवर कर लेते हैं कि क्या अब जैसे ये एक पोस्ट अच्छी नजर आ रही है फ्रेशर इसमें अप्लाई कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट हालांकि एक या दो ही पोस्ट थे बैचलर डिग्री स्टैट्स में मैथ्स में या फिर इकोनॉमिक्स में या कॉमर्स में लेकिन स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है तो आप स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएट होना होगा मैथ्स इकोनॉमिक्स या कॉमर्स या स्टैटिस्टिक्स के साथ और स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होना चाहिए इसमें भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए देख सकते हैं बट दो साल की एक्सपीरियंस मांगी गई है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए लेबोरेटरी अटेंडेंट ये इसलिए कवर नहीं करे ज्यादा डिटेल में क्योंकि पोस्ट कम थे दो या तीन ट्वेल्थ पास साइंस स्ट्रीम से अगर आपने किया है या फिर टेंथ पास भी किया है आपने तो पास के साथ में हाँ टेंथ पास या ट्वेल्थ पास किया जिसमें साइंस आपने पढ़ा हो तो और थोड़ा स्किल है आपको या फिर सर्टिफिकेट प्रोग्राम है आपके पास लेकिन ट्वेल्थ साइंस वाले के पास कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है टेन बेसिस पर अगर अप्लाई करना है तो एक सर्टिफिकेट चाहिए स्किल सर्टिफिकेट अगर ट्वेल्थ बेसिस पे करना है तो ट्वेल्थ साइंस से किया साइंस स्ट्रीम से तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट पोस्ट के लिए अगर एज लिमिट देखनी है तो जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट पोस्ट के आगे लिखे मोस्टली सभी के लिए फोर्टी तो है ही है फोर्टी के ऊपर भी है सभी के लिए अपर एज लिमिट फोर्टी है किसी किसी के लिए फिफ्टी अपर एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए अब फीस की डिटेल चेक करेंगे फीस काफी ज्यादा है कैसे अप्लाई करना है कहाँ से चेक करना है एडवर्टीजमेंट कहा जाकर अप्लाई करना है ये अगर आप देखना चाहते हो तो वीडियो एंड तक देखें काफी इंफॉर्मेशन और आगे शेयर की जा रही है तो ग्रुप ए की जो पोस्ट है ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी ऐसा लिखा हुआ है ऊपर आप चेक करें कौन से ग्रुप में आ रहा कोई पोस्ट जैसे कहाँ पे लिखा हुआ बता देते देखें जो पोस्ट है सिस्टम है इसके सामने ही लिख दिया है ग्रुप ए टेक्निकल असिस्टेंट है ग्रुप सी तो वो आपको देखना पड़ेगा कौन सा पोस्ट के आगे क्या लिखा है तो उसके हिसाब से फीस थोड़ी चेंज है फीस की अगर बात करें तो पेज नंबर नाइन पर लिखा हुआ है ग्रुप ए के लिए अनिजर्व एस एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज एप्लीकेशन फी है एससीएसटी एंड विमन कैंडिडेट के लिए वन थाउजेंड रुपीज कैंडिडेट के लिए नो no फी और अगर ग्रुप ए के लिए ग्रुप बी या ग्रुप सी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस एस एन ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए थाउजेंड रुपीज क्योंकि फीमेल कैंडिडेट के लिए सिक्स हंड्रेड है एससीएसटी कैंडिडेट के लिए 600 है क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन की क्या है वो चेक करेंगे क्लोजिंग डेट है लास्ट आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं टेंथ मार्च 2023 10 मार्च 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं शुरू में मैंने आपको बताया एनटीए इसकी, इसकी पूरी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसकी पूरी जिम्मेदारी ले रही है अभी एडवर्टीजमेंट रिलीज करने से एग्जाम होने तक रिजल्ट डिक्लेरेशन तक सारा काम एनटीए देखेगी तो चलिए देख लेते हैं वेबसाइट पर आपको कैसे देखना है एडवर्टीजमेंट और कैसे एप्लीकेशन करनी है आगे तो ये फिलहाल चले आए हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं इसे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहीं पर कहीं पे जॉब्स एट द रेट मिल जाएगा लिंक और उससे ही अप्लाई कर सकते हैं आप इस पर कहीं पे, कही पे जॉब्स एट द रेट सेक्शन है ये देखिए यहाँ पे अचीवमेंट रिसर्च रिसर्च के नीचे जॉब्स एट द रेट जे एन यू जॉब्स एट द रेट जे एनयू लेटेस्ट एडवर्टीजमेंट जॉब्स एट द रेट जेएनयू पे एक बार क्लिक कर लें तो रिक्रूटमेंट सेक्शन ओपन हो जाएगी और इसमें इसमें और भी ऑप्शन दिए रहेंगे आपको टीचिंग का नॉन टीचिंग पर हमें किस पे क्लिक करना है नॉन टीचिंग पे एक बार क्लिक करना है नॉन टीचिंग पे आप क्लिक करेंगे तो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट के लिए ये है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या एग्जाम में पूछा जाएगा अगर बहुत सारे कमेंट आएंगे तो इस पर एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा क्या पैटर्न रहेगा अगर काफी कमेंट आप करते हैं कमेंट सेक्शन में कि इसकी एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा कैसा रहेगा एग्जाम का स्कीम क्या पढ़ना है तो इस इसलिए इसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी अदरवाइज आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना ये डायरेक्ट हो जाएगा एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह देखें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो रिक्रूटमेंट पेज है उस पर डायरेक्ट हो गया और यहाँ पर आएगा जेएनयू रिक्रूटमेंट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट इस इसपे एक बार क्लिक करेंगे तो आपको एग्जैक्टली exactly जो है जेएनयू का मिल जाएगा पूरा इसमें एडवर्टीजमेंट लिंक अप्लाई करने के लिंक वगैरह सारी चीज इसमें आपको मिल जाएगी तो जे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसपे जॉब्स एट द रेट जे पे आपको बेसिकली जाना है और उसमें जाके नॉन टीचिंग पर आपको क्लिक करना है यहां पर देखिए और भी ऑप्शन मिलेंगे टीचिंग नॉन टीचिंग प्रोजेक्ट स्टाफ प्रोजेक्ट पर आपको नॉन टीचिंग पे क्लिक करके सारी डिटेल चेक करनी है ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक अगर आप सर्च करें तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें आपको लिंक अवेलेबल मिलेगी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की आप सबको बेस्ट विशेष थैंक यू वेरी मच